हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का नंबर वन सर्विस सेंटर सूरज कंप्यूटर्स। आज हम आपके पास लाए हैं लेनोवो का लैपटॉप है। ये लेनोवो आइडिया पैड स्लिम मॉडल होता है। ये इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, सबसे पहले हम आपको बताते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है। इसमें प्रॉब्लम आप देखोगे, ये रनिंग लैपटॉप है, इसमें हमारे कीबोर्ड की प्रॉब्लम है। जब हम ये प्रेस करते हैं वन तो प्रेस नहीं होता है वन, और कभी कभी जब अभी हमारे पास पासवर्ड नहीं है, कस्टमर का लैपटॉप है, कस्टमर ने हमने बताया है कि जब ये कभी कभी लेता है तो अपने आप ऑटोमेटिक ही रन करना शुरू कर देता है, वन 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 टाइप करता रहता है। वैसे और सब कुछ चल रहा है इसका, बस ये है कि इसका वन काम नहीं कर रहा, और ये जब काम करता है तो ये प्रेस रह जाता है और अपने आप ही ऑटोमेटिक, जब हम वर्ड एक्सेल की कोई फाइल बना रहे होते हैं तो ये अपने आप ही प्रेस होता रहता है। ऐसी प्रॉब्लम क्यों आती है? ऐसी प्रॉब्लम आती है जब हमारे लैपटॉप पे कुछ लिक्विड वगैरह गिर जाए या कुछ सॉर्टिंग अंदर हो जाए, मतलब कीबोर्ड में, तब ये प्रॉब्लम आती है। ये प्रॉब्लम मोस्टली 99% कीबोर्ड से होती है, 1% मदरबोर्ड से भी होती है। इससे बचने के लिए हम आपको हर बार बताते हैं, एक कवर आता है कीबोर्ड के लिए जो पूरा ऊपर से नहीं, इसको पूरा कवर कर लेता है यदि हमारा लिक्विड या धूल मिट्टी से हमारे कीबोर्ड को बचा लेता है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। हम आपको बताते हैं इसमें फिर करना क्या होता है, यानी होगा क्या, हम क्या कर सकते हैं जब हमारे कीबोर्ड में इस टाइप की प्रॉब्लम आ जाए। सबसे पहला स्टेप होता है कीबोर्ड को खोल के कीबोर्ड की जो केबल होती है उसको हटा के दोबारा लगा के देख सकते हैं। उससे हमारा कीबोर्ड चल जाता है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज तो फिर कीबोर्ड चेंज होता है। और ये इस कंडीशन ये होती है कि 10% चांस होते हैं आपका केबल हटा के लगा के चल सकता है कीबोर्ड, अदरवाइज तो आपका कीबोर्ड 90% चांस होते हैं कि चेंज ही होता है। तो हम इसको चेंज कैसे करते हैं वो बताते हैं, और केबल कैसे हटा के साफ करके लगाते हैं वो दिखाते हैं। इंटरनल बैटरी होती है, सबसे पहले हम स्क्रू खोल के इसकी बैटरी को डिस्कनेक्ट करते हैं। इसको हमने खोल लिया है। सबसे पहले हम काम क्या करते हैं कि बैटरी को डिस्कनेक्ट करेंगे, खोल के ही करनी पड़ेगी। बैटरी हम बाहर निकाल लेते हैं, और जो हमने आपको बताया था कि सबसे पहले होता है कि हम केबल को हटा के लगा के चेक करते हैं, तो यहाँ पे ये केबल होती है, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। ये केबल होती है, इसको थोड़ा सा हम साफ करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा हम इसके कनेक्टर को साफ करते हैं टूथब्रश से। कुछ होता है कि कुछ आपका सेटिंग वगैरह खराब हो जाए या कुछ इसमें आपका निशान वो बन जाते हैं, जैसे हम नाले के आसपास यूज करते हैं तो हमारी पिन काली पड़ जाती है, उनकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। फिर दोबारा से अंदर सेट करेंगे, केबल तरीके से लगनी चाहिए, ये जो लॉक है ये अंदर घुसने चाहिए इसके, जैसा कि आपने देखा ये अंदर लॉक घुस गए हैं। ये जो लॉक होते हैं यही लॉक इसको फिट करते हैं, जो छोटे छोटे लॉक आपको दिख रहे हैं, अदरवाइज ये लॉक बाहर रह जाएंगे तो ये हमारा कीबोर्ड नहीं चल पाएगा। तो आप देखोगे मैंने लॉक बिल्कुल अच्छे से फिट कर दिए हैं और इस लॉक को, कनेक्टर वाले लॉक को फिट कर दिया है। अब हम बैटरी नहीं लगाएंगे, बिना बैटरी लगाए अपने कीबोर्ड को चेक करेंगे वहीं पे सेम कंडीशन पे कि हमारा लैपटॉप चलता है या फिर हमें ये चेंज ही करना पड़ेगा। चार्जर पे ही चेक करना चाहिए। क्यों करना चाहिए चार्जर पे चेक? बैटरी में जो होता है करंट फ्लो होता है, ऐसा आप बार बार बंद करोगे ऑन करोगे तो ये वाली इसमें दिक्कत हो जाती है, हम बैटरी बार बार नहीं हटा सकते। हमारा ऑन होके कीबोर्ड ने वन की ने काम करना शुरू किया है या नहीं किया है ये आप देखोगे। अब हमारी की ने काम करना शुरू कर दिया है, वन की काम कर रही है। तो इस प्रकार भी ऐसे सर्विस में भी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। यदि आपके पास कोई लैपटॉप हो, कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो आप सूरज कंप्यूटर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद।